महाराजगंज के फरेंदा विधानसभा क्षेत्र में ब्रजमनगंज रेलवे स्टेशन पर देर शाम गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस एवं ऐशबाग गोरखपुर एक्सप्रेस दुर्ग का ठहराव हो गया है। रविवार को रात्रि में ये गाड़ी निर्धारित समय से ब्रजमनगंज पहुंची। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, पूर्व विधायक फरेंदा बजरंग बहादुर सिंह एवं सदर विधायक जय मंगल कन्नौजिया ने हरी झंडी दिखाकर दोनों ट्रेनों को आगे के लिए रवाना किया। इससे स्टेशन पर मौजूद क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। मैं जनता की जो बेहद मांग थी, उस मांग को ध्यान में रख करके हमने छोटा प्रयास किया है और अभी मैलानी एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस यहाँ पर ठहराव हुआ, उसके लिए मैं केंद्रीय मंत्री अपने रेल मंत्री वैष्णो जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मेरे मांग पर ध्यान देते हुए और यहाँ पर बिजमनगंज में दो ट्रेन रोका, लक्ष्मीपुर में एक ट्रेन रोका और सिसवा बाजार में एक ट्रेन रोका, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक बिजमनगंज का सवाल है, फरेंदा विधानसभा का सवाल है, आने वाले वक्त में और इससे बड़ा भी सौगात देने वाला है। क्षेत्रीय स्थानीय जो है लोगों ने आपको कुछ मांग पत्र दिए हैं, उसके लिए आप इसे रेलवे स्टेशन मांग पत्र में था कि यहाँ रिजर्वेशन काउंटर होना चाहिए, हमारे ग्यारह से यहीं पर हमको आश्वस्त किया है कि चार घंटे के लिए एक रिजर्वेशन काउंटर आरक्षण काउंटर खोला जाएगा और बाकी जो अंडर पास ओवर ब्रिज की मांग है उसको उठाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।